रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अभी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ज़रूरी है कि आप लोग थ्योरम 2 जो इस चैप्टर में था उसको पहले स्टडी करें। अगर थ्योरम 2 को स्टडी करते हैं तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा, ये जो ट्राइंगल है ये एक्यूट ट्राइंगल है, ये हमने थ्योरम 2 में डिस्कस किया था। इसका जो फॉर्मूला है उसको भी डिस्कस किया था। अभी हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। एक ट्राइंगल की बात कर रहा है ABC, तो हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेनी है और उसका नाम रख देना है ABC। कैलकुलेट करना है आपने मेजर ऑफ BC, यानी ये जो BC की लेंथ है ये आपने कैलकुलेट करके देनी है कि कितनी है। व्हेन AB वाली जो साइड है वो है 5 सेंटीमीटर, तो A से B तक ये कितने सेंटीमीटर है, यहाँ पर आप लिख दें ये 5 सेंटीमीटर है। AC वाली जो साइड है वो है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा AC, तो ये मैं लिखने लगा हूँ 4 सेंटीमीटर। और जो एंगल A है वो है 60 डिग्री, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। इस एंगल को आप लोग नाम दे सकते हैं, लेट्स सपोज इसको नाम दे देते हैं हम लोग थीटा, ठीक है। तो थीटा जो है वो 60 डिग्री है। उसके बाद ये वाली जो साइड है ये हमें नहीं पता, तो ये हमने फाइंड करनी है। जिस तरह ये तो पता है ना 4 सेंटीमीटर, ये भी पता है 5 सेंटीमीटर, ये नहीं पता, तो ये हम लोग फाइंड करेंगे। अच्छा, इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि हमने इसको कुछ ना कुछ नाम जो ना वो दे देने हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा इजी हो जाए। नाम किस तरह से देने हैं, जो ए है ना, ए के सामने वाली जो साइड है इसको आपने ए का नाम दे देना है, स्मॉल ए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी। ये बी जो है ना वो इस पॉइंट का नाम है, इस वर्टेक्स का नाम है। तो आपने इसके सामने ये जो 4 सेंटीमीटर है इसको कहना है स्मॉल बी। तो ये जो स्मॉल बी है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ को। ये वाला बी सिर्फ इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सी है इस पॉइंट का नाम है, ये कैपिटल सी है। इसके सामने ये जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसको आप नाम दे दें स्मॉल सी। ये कैपिटल सी, ये स्मॉल सी, तो ये 5 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमने क्या फाइंड करना है, ये स्मॉल ए, यानी ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो इस तरह ये वाले नाम देने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, 2-3 फार्मूलाज हैं ये आपने याद रखने हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इसको आप कंप्लीट करें। S यानी साइन थीटा, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपरटिनस, C का मतलब कॉस थीटा, B बेस, H हाइपरटिनस, T क्या है टेन थीटा, P परपेंडिकुलर और B बेस। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। देखिए ये जो ट्रायंगल है इसमें आपको नज़र आ रहा है एक एंगल है 90 डिग्री का। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको इस तरह से हम लोग लिख देते हैं राइट, RT का मतलब राइट एंगल, और ये सिंबल जो होता है इसको पढ़ते हैं ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हम लोग ये थ्योरम लगाते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है, H यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये याद ना रहे तो इसको आसानी के लिए हम लोग इस तरह याद रख सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये थ्योरम हम सिर्फ और सिर्फ लगा सकते हैं इस ट्रायंगल के ऊपर, जो कौन सी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। जबकि ये जो हमारी इस क्वेश्चन में ट्रायंगल है, ये देखें इसमें 90 का तो कोई एंगल नहीं है, एंगल है 60 का। और हमने थ्योरम 2 में पढ़ा था कि जो 90 से लेस एंगल हैं उनको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्यूट एंगल। तो ये हमारी ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इस पर वो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाया जा सकता, वो सिर्फ किस पे लगाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो अब इस ट्रायंगल के लिए भी तो कोई ना कोई फार्मूला था ना, वो हमने थ्योरम 2 में पढ़ा था, उसी को मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, या थ्योरम 2 को आप देख भी सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर इसको लिखते हैं। देखें अगर इस तरह की ट्रायंगल आ जाए तो आपने देखना है एंगल क्या है, यहाँ पर जो एंगल है ना उसके सामने देखें क्या लिखा हुआ है, ए, तो आप लिखें ए स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ पर ये वाली साइड थी ए और ये कितनी है बी, तो आप लिखें बी और ये कितनी है सी, तो यहाँ पर लिख दें प्लस सी। देखिए उसी तरह जिस तरह यहाँ पर था ना एच स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी, यहाँ पर एच बी और पी का नाम बी का नाम दिया हुआ था हमने, तो एच स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर। यहाँ पर इसमें एच वगैरह नहीं है बल्कि क्या है ए बी और सी, तो आपने क्या कहना है ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर। लेकिन ये यहाँ तक ख़त्म नहीं होता, इसके साथ आपने लिखना है माइनस टू, और टू के साथ क्या आएगा सी, यानी ये वाली साइड, और सी के साथ भी कुछ आएगा, वो क्या आएगा, उसके लिए आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पॉइंट सी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ पर आएगा वो परपेंडिकुलर। तो ये कितने का एंगल बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री का। तो ये हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है, ये जो साइड थी इसका प्रोजेक्शन बनाया है यहाँ पर, तो आपने इसको नाम देना है कि ये प्रोजेक्शन है,
ठीक है, कौन सी साइड का, ए सी वाली साइड का। तो ये ए से लेके सी वाली जो साइड है उसका प्रोजेक्शन यहाँ पर बन रहा है, तो इसको भी हमने कुछ ना कुछ नाम देना है, यानी ए से लेके, अच्छा इस पॉइंट को नाम देना पहले, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, डी का, ठीक है, पॉइंट डी। तो हमें पता है ए से लेके बी तक है 5 सेंटीमीटर, तो ए से लेके डी तक कितना होगा, ये तो कम ही होगा ना, ये 3 सेंटीमीटर होगा या 2 सेंटीमीटर होगा या 1 होगा, जो भी होगा हमें नहीं पता, तो हम इसको नाम देने लगे हैं एक्स। ठीक है, एक्स इसीलिए हमने नाम दे दिया क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कितने सेंटीमीटर है। और ये जो प्रोजेक्शन वगैरह है इसको हमने थ्योरम नंबर 2 जो था ना उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया था, पूरा थ्योरम हमने सॉल्व किया था और ये फार्मूला एक बनाया था वहाँ पे। इसके साथ हमने सी के एक्स भी लिखना है। ठीक है, तो इस तरह की जो ट्राइंगल होगी, राइट ट्राइंगल, उसमें ये पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। और अगर इस तरह की ट्राइंगल आ जाए, यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल आ जाए, तो फिर आपने जो एंगल आपको दिया होगा, जिस तरह यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल था, उसके सामने जो भी साइड होगी उसका स्केयर लेना है, बाकी दोनों साइड्स को उसके साथ प्लस करना है, -2 खुद से लिखेंगे, नीचे वाली साइड सी है तो आप सी लिखो और उसके साथ यहाँ से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, और इस थीटा से लेके यहाँ तक ये जो भी लेंथ है ना उसको यहाँ पर लिख दो। अगर नहीं वो लेंथ पता हमें तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, एक्स का। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और चेक करते हैं आंसर हमारा। चलिए इसमें वैल्यूज पुट करने लगे हम लोग, ए की जगह पर क्या लिखेंगे, फाइंड करना है ना हमने, तो ए की जगह पर ए ही लिखें, बी, तो बी हमारे पास कितना है 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 का स्केयर प्लस सी, तो सी हमारे पास कितना है 5, तो यहाँ पर आएगा 5 का स्केयर -2, सी कितना है 5, एक्स कितना है, एक्स तो नहीं पता हमें, अगर हमें एक्स पता हो तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख के कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। x कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हम लोग थोड़े से स्टेप करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए यहाँ से आपने इसको गौर से देखना है कि ये जो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। हमें x नहीं ना पता है तो हम x तो फाइंड कर सकते हैं, ये वाली जो साइड होगी, देखिए 90 के सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, थीटा के सामने वाली ये जो साइड है इसको कहना है परपेंडिकुलर, और नीचे वाली ये साइड जो है ये क्या हो जाएगी, बेस। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, ए डी और सी, तो यहाँ पर मैं लिखने लग रहा हूँ ए डी सी। और मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल पे ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं और ये 3 sin, cos और tan के फॉर्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करने लगा हूँ ये cos थीटा, cos थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। क्यों यूज़ किया हम लोगों ने ये फार्मूला, वो भी चेक करते हैं। देखें इसमें अगर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या हमारे पास आएगा, cos लिखें आप, थीटा जो है कितना था 60, थीटा की जगह 60 लिखें, बेस कितनी है x, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस ये था ना कितना है 4, 4 लिखें, cos 60 को कैलकुलेटर पे आप चेक करें 0.5 आंसर आएगा, और ये x ओवर 4 एज इट इज़, 4 को इधर आके मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, तो x का आंसर कितना आ गया 2, और साथ यूनिट क्या लिखना चाहिए, बाकी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो इसको भी आप लोग लिख दो यहाँ पर सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है जो कि कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो हमने ये वाला फार्मूला क्यों लगाया था, देखें यहाँ पर ये क्या थी, बेस, x फाइंड करना था ना, तो बेस यहाँ पर इस फार्मूले में लिखा हुआ है। ये फार्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है, बेस तो फाइंड करने के लिए है ही नहीं यहाँ पे। लास्ट वाला जो फार्मूला था उसमें भी तो बेस है थी, वो क्यों नहीं लगाया हमने, क्योंकि बेस तो है लेकिन ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू थी, तो इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला चूज़ कर लेना है, cos थीटा का बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। इस फार्मूला को लगाने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप पुट कर सकते हो x की वैल्यू, तो यहाँ पर आप लिखो 2, अब इसको सॉल्व करो, ए स्केयर किसके इक्वल है, 4 स्केयर कितना होता है 16, 5 स्केयर कितना होता है 25, -5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, तो ये ए स्केयर हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 5 और ये 21 आ जाएगा, और ए स्केयर है तो अगर हम इसका अंडर रूट ले लें तो 21 का अंडर रूट क्या बन जाएगा 4.58, और साथ यूनिट क्या लिखेंगे, ए है ना, तो इसके साथ लिख दो सेंटीमीटर, क्योंकि बी भी 4 सेंटीमीटर, सी भी 4 सेंटीमीटर, तो ए भी आपने क्या लिख देना है 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस आपने याद क्या रखना है, ये वाला जो फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला बनाते कैसे हैं उसके लिए आपको थ्योरम नंबर जो 2 था उसको देखना चाहिए। थ्योरम 2 को अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि ये हमने किस तरह से बनाया था उसमें। अब ये याद रखना है कि इस फॉर्मूला को लगाने से पहले आपने कॉस थीटा की वैल्यू फॉर्मूला लगा के एक्स की वैल्यू निकाल देनी है और फिर ये फॉर्मूला लगाना है। और उस इसमें ये याद रखिए आप कि ये ए से लेकर डी तक जो होता है इसको हम पढ़ते हैं प्रोजेक्शन। ये किसका प्रोजेक्शन है, ए से लेकर डी तक, ये जो ए सी वाली साइड होती है इसका प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन क्या होता है, जिस तरह यहाँ पर हमने एक मार्कर रखा हुआ है, ऊपर अगर लाइट है तो लाइट क्या करेगी, इस मार्कर का नीचे प्रोजेक्शन बनेगा यानी साया बनेगा, तो उसी को हम प्रोजेक्शन का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ए से लेकर सी तक है उसका प्रोजेक्शन बनेगा, यहाँ पर ए से लेकर डी तक, उसी को आपने एक्स का नाम दे देना है।